नौजवानों, सियासत को गंदी चीज समझकर उससे भागो मत, अक्ल को गिजा दो इल्म से, अक्ल को गिजा दो तारीख इस्लाम से। याद रखो, इल्म आपको ताकतवर बनाता है, लेकिन सियासी सूझबूझ, सियासी समझ हासिल होती है इंसान को तारीख पढ़ने से, और खुसूसन तारीख इस्लाम पढ़ने से। आज उम्मत मुस्लिमा को और हमारे प्यारे वतन हिंदुस्तान को जरूरत है सियासी शुरूर रखने वाली नस्ल नौ के, जी सियासी शुरूर रखने वाले नस्ल नौ की जरूरत है। बड़ो सियासत की तरफ। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि इलेक्शन में खड़े हो जाओ, नहीं, एक्टिव पॉलिटिशियन बनने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल अवेयरनेस की जरूरत है, क्या अच्छा और क्या बुरा। नौजवानों, मैं आपको बता रहा हूं, बतौर मिल्लत इस्लामिया, आज मिल्लत इस्लामिया की तहफ्फुज की जरूरत है। आज हमको बांटा जा रहा है, कभी सुन्नी शिया के नाम से, कभी वहाबी के नाम से, कभी बोहरा के नाम से, कभी अलवी के नाम से, आज सारी दुनिया में हमको बांटा जा रहा है। याद रखो कि इस्लाम की खिदमत के लिए किसी सुन्नी शिया बोहरा अलवी सलफी की जरूरत नहीं है, इस्लाम की खिदमत के लिए मुसलमान की जरूरत है। फिर जब हम अपने वतन की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, देखें आप करप्ट सियासत आज कभी हिंदू मुस्लिम में तकसीम करती है, कभी ब्राह्मण और दलित में तकसीम करती है। लोगों, ये बात को गौर करो कि हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए ना ब्राह्मण की जरूरत है, ना दलित की, ना मुस्लिम की जरूरत है, ना हिंदू की, इस मुल्क की हिफाजत के लिए हिंदुस्तानी की जरूरत है। पॉलिटिकल अवेयरनेस कायम करें, पढ़े मौला अली की जंगों को, मौला अली की जंगे सिफीन को पढ़े, जमल को पढ़े, जी सारी तारीख मौला अली की पढ़े, और शुरूर बेदार करे कि किस तरह से सियासत काम करती है।